दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अभी फाइटर जेट्स की काफ़ी कमी है और हम अपनी रिक्वायर्ड फ्लीट स्ट्रेंथ को मीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की जा रही हैं और इसी को लेकर अभी ऐसा लग रहा है कि हमें शायद फ्रांस से नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पड़े। उसको लेकर हमारे कुछ कारण हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इसी को लेकर रूस के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें कैट्सा सैंक्शन भी एक हो सकता है। अगर हम रशिया के साथ डिफेंस डील्स करते हैं तो हमारे ऊपर कैट्सा सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अभी हमने रशिया से MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और Sukhoi-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और भी बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं जो कि अभी खतरे में हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर ये डील्स कैंसिल हो जाती हैं तो हम अपनी फाइटर अवेलेबिलिटी को कैसे इनक्रीज करेंगे। यहाँ पर अभी हम Tejas Mk-1 एयरक्राफ्ट को खुद डिवेलप कर रहे हैं और उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अपनी फ्लीट स्ट्रेंथ को एक रिक्वायर्ड नंबर में मेंटेन कर सकें, और ना ही Tejas Mk-1 फाइटर एयरक्राफ्ट उस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को रिप्लेस कर सके। हमें MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए और Sukhoi-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए उसी के लेवल का या उससे बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जो कि Tejas Mk-2 फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में हो सकता है, लेकिन ये दोनों फाइटर प्लेन अभी प्रोडक्शन से काफ़ी दूर हैं। तो अभी हमारे पास केवल दो ऑप्शंस बचेंगे, जो कि एक अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑप्शन होगा और एक फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑप्शन होगा। और क्योंकि हम रशिया और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं और ना तो ये चाहते हैं कि रशिया को ये लगे कि हम अमेरिकन कैंप में जा रहे हैं और ना अमेरिका को ये लगे कि हम रशियन कैंप में जा रहे हैं, तो हमारे लिए बीच का रास्ता फ्रांस के साथ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील करना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को कैंसिल किया जाए तो हम फ्रांस से नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लें। इससे पहले बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि हम 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का फॉलो ऑन ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है और जहां इससे ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है, उससे यही पता चलता है कि ये ऑर्डर 36 फाइटर एयरक्राफ्ट से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि इसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं कि हम फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ही खरीदेंगे। वो ये है कि एक तो हमारे पास पहले से ही राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। हम रशिया से MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे, उसमें से उनका सस्ता होना तो एक कारण था ही था, लेकिन उसके साथ ये भी कारण था कि हम पहले ही MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी अगर हमें वहाँ से MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलते हैं तो हमारे पायलट्स को उनके ऊपर दोबारा से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उनको यहाँ पर आते ही ऑपरेशनल कर सकेंगे। और यही बात अभी हम राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील करते हैं तो क्योंकि हमारे पायलट्स पहले से ही राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए इन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और हम इन फाइटर एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेशनल कर सकेंगे। और इसके साथ ही स्पेयर्स और इनकी अवेलेबिलिटी को इनक्रीज करने के ऊपर भी कोई ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही हमारे देश में तैयार हो चुका है। और इसके साथ ही इन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई हैं उनके ऊपर भी काफ़ी खर्चा आ चुका है, तो हमें ये काम करने के लिए फिर से किसी देश की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक बहुत अच्छी चॉइस साबित होगा। अगर रशिया के साथ हमारी डिफेंस डील्स कैंसिल नहीं भी होती हैं तो फिर भी ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फॉलो ऑन ऑर्डर करेंगे।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि ये ऑर्डर कब होंगे। लेकिन अगर हम रशिया के साथ ये डिफेंस डील्स ड्रॉप करते हैं तो ये समय और ये मौका बहुत जल्द आ सकता है कि हम फ्रांस से इन फाइटर एयरक्राफ्ट के फॉलो ऑन ऑर्डर्स दे दें। क्योंकि चाहे कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी स्मोक स्क्रीन में ये फैक्ट काफ़ी गायब हो गया हो कि चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और हम दोनों देशों ने अपनी सरहदों पर बहुत ज़्यादा फौजों की तैनाती की हुई है, तो ऐसे में हम अपनी फाइटर फ्लीट को कम होना नहीं देख सकते हैं और हमें क्वालिटेटिवली भी चाइना के ऊपर एक एज चाहिए जो कि फ्रेंच राफेल के साथ हमें मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जो कि रशिया के साथ कैंसिल हो सकती हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि जो हम रशिया से राइफल्स खरीद रहे थे और इसके साथ ही जो चॉपर्स की उनके साथ डील करने वाले थे वो सभी कैंसिल हो सकती हैं, और इन्हीं को लेकर ऐसा हो सकता है कि हम एक इंडिजनस अल्टरनेटिव को चूज़ कर लें। लेकिन एक फाइटर जेट के मामले में हमारे पास अभी इतनी ऑप्शंस नहीं है कि हम एक इंडिजनस अल्टरनेटिव को चूज़ कर सकें, तो इसीलिए हमें एक फॉरेन अल्टरनेटिव ही चाहिए होगा जो कि फ्रेंच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में हो सकता है। तो अभी ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 36 राफेल से ज़्यादा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएँ जो कि 56 to 72 किसी भी नंबर के बीच हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।